पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर अभी तक आपने कई सनसनीखेज खुलासे सुने होंगे। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस गैंग को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से सूचना मिली है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस और गोल्डी बरार ने पंजाब के दविंदर बम्बीहा गैंग के लोगों को मारने की प्लानिंग की थी। ये वही बम्बीहा गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए फेसबुक पर पोस्ट के जरिए खुलेआम ऐलान किया था। पुलिस का कहना है कि इन दोनों गैंग के बीच जल्द ही गैंग वॉर होनी थी और लॉरेंस गैंग के निशाने पर था बम्बीहा गिरोह का शूटर चस्का। सिद्धू की हत्या के तुरंत बाद गोल्डी बरार ने अपने शूटरों को चस्का को मौत के घाट उतारने को कहा था। चस्का को मारने की जिम्मेदारी लॉरेंस के लिए काम करने वाले प्रियव्रत गिरोह को नहीं बल्कि दूसरे शूटरों को दी गई थी। इस बात का खुलासा प्रियव्रत ने भी पूछताछ में किया है। चस्का के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है। इसके साथ ही मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल हथियारों के बारे में भी पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि मूसेवाला की हत्या के लिए विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें ज्यादातर हथियार चीन के हैं। शूटरों के कब्जे में बरामद सभी हथियारों में ग्लॉक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड चीन के हैं, तो वहीं कुछ हथियार चेकोस्लोवाकिया के भी हैं। इन हथियारों को तस्करी के जरिए बाहर से भारत लाया गया है। सिद्धू को मारने के लिए शूटरों को हथियार हरियाणा में मोनू डागर ने दिए थे। पुलिस हथियारों की पूरी चेन को खंगालने में लगी हुई है। इसके लिए पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला प्रियव्रत ने ये भी खुलासा किया है कि संदीप उर्फ केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए मुखबिरी की थी। उसी ने गोल्डी बरार को वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि 27 मई को मूसेवाला बिना गार्ड के अपने घर से कोर्ट के लिए निकले हैं। उस दिन सिद्धू मूसेवाला फॉर्च्यूनर से निकले थे और कार की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। शूटरों ने काफी दूर तक पंजाबी गायक का पीछा किया था, लेकिन कार के तेज चलने की वजह से वो सिद्धू मूसेवाला को पकड़ नहीं पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।